हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए वीडियो जो लेकर आए हैं, इसका जो पार्ट होगा वो 20/1 होगा। तो चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में उन प्रश्नों की जो अभी तक टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीसीएस भी और आपके एसीएफ एग्जामिनेशन, पीसीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में पूछे गए हैं। काफी टफ क्वेश्चन है, तो आप इनको देखिएगा। हाँ, फिर मैं बोल दूं कि देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि एरर क्वेश्चंस की जीरो हो, मगर एक दो क्वेश्चन जरूर ऐसे होते हैं जो मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, तो उनके आंसर में डाउट हो सकता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट लगता है या कोई क्वेश्चन में परेशानी है तो कमेंट्स करके बताइएगा। 100% तो कोई रॉड भी नहीं सीधी होती है, और चूंकि क्वेश्चंस होते क्या अलग अलग किताबों में अलग अलग कभी कभी दिया रहता है, और आयोग कभी आंसर कुछ होता है मानता कुछ है, तो ये भी कंडीशंस होती है। तो एक दो तीन क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आयोग जो आयोग आपसे क्वेश्चन पूछता है उस आयोग में 5 से 6 10 तक कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो ये भी जब आयोग की समस्या तो हमारी तो बात ही नहीं है। पता लगा जो आई की उसी के बेस पे आपको दे दिया गया, तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जिसमें हम आप एग्री ना हो, तो फिर कोई बात नहीं, आप उसको सही आंसर विद कमेंट्स के साथ आप बताइएगा। तो अगर डिस्क्रिप्शन हो तो भी हमें दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, क्वेश्चन को से वीडियो को शेयर जरूर करें। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, द टर्म हेट्रोक्रोमैटिन वाज फर्स्ट गिवन बाय, हेट्रोक्रोमैटिन वर्ड किसने दिया था? तो हेट्रोक्रोमैटिन शब्द प्रथम दिया था एमिल हिट्स ने दिया था। किसने दिया था? एमिल हिट्स ने। देखिए, जो कलर्ड किया गया, स्टेन किया गया, उसके बेस पर क्रोमैटिन दो प्रकार के होते हैं, यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यू क्रोमैटिन जो होता है वो जेनेटिकली एक्टिव होता है, हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है वो जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए बताया। एलिजिनिक एसिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम, एलिजिनिक एसिड किससे प्राप्त होती है? तो वो प्राप्त होती है ब्राउन एल्गी से। द बंडल सीथ सेल्स ऑफ C4 प्लांट रिडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स, C4 पादप में पुलाच्छाद कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसका अपचयन होता है? तो किसका अपचयन होता है? तो नंबर ए है CO2 एलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर कंडीशन ऑफ द वाटर स्टेट ड्रॉट द ABA लेवल इन द लीव्स इंक्रीज, दिस इंक्रीज इज ड्यू टू द इंड्यूस्ड बायोसिंथेसिस ऑफ ABA इन, तो वो होता है मीजोफिल सेल साइटोप्लाज्म में, जो मैक्सिमम बुक में दिया है वो यही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड्स CAMP विथ वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर इन बायोलॉजिकल सिस्टम, तो वो है कैल्शियम आयन। कौन सा है? कैल्शियम आयन। व्हाट आर द प्रियोन्स, प्रियोन्स क्या है? तो इंटर इनफेक्शियस प्रोटीन है, जिसको प्रोसिनर ने बताया था कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है, और वो प्रोटीन्स क्या होते हैं, रोगों को उत्पन्न करने लगते हैं, जिस प्रकार के प्रोटीन्स को प्रियोन्स के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिस्कवर्ड बाय वॉक्समैन, वॉक्समैन में किसको खोजा था? तो वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन को खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मियोसिस द सेंट्रोमियर डिवाइडेड ड्यूरिंग, सेंट्रोमियर डिवाइड कम होता है, तो देखिए प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। तो प्रोफेस में देख लेते हैं क्या होता है। प्रोफेस में 3 स्टेज होती हैं, प्रो और मिड और लेट। तो लेट प्रोफेस में इसका न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, और जो आपके क्रोमोसोम जैसी संरचना अपीयर हो जाती है, और मेटाफेस में मेटाफेस प्लेट बनती है इक्वेटर में, और एनाफेस में क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होते हैं, एपियर हो जाते हैं, ये सबसे शॉर्ट फेस है, और प्रोफेस सबसे लॉन्ग फेस होती है। कॉर्न स्टंट डिजीज इज कॉज्ड बाय, कॉर्न स्टंट जो डिजीज होती है वो स्पाइरोप्लाज्म से उत्पन्न होती है। प्लांट हार्मोन्स दैट इंड्यूस सेल डिवीजन, तो वो काइनिन है, यानी साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन का एक रूप है काइनिन, तो इसके कारण ऐसा होता है सेल डिवीजन। ACDS सिस्टम इन मेज वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो वो किसने खोजा था, मैक क्लिंटक ने 1950 में खोजा था। ओस्पोर आर फाउंड इन, ओस्पोर जो देखने को मिलता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ओस्पोर देखने को मिलता है फाइटोप्थोरा में, किसने, फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा से क्या होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, और म्यूकर से क्या होता है, म्यूकर एक सेप्रोफिटिक फंगस है, और पक्सिनिया ग्रैमिनस से रेड रस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
मोस्ट ऑफ द वाटर इन मैच्योर प्लांट सेल्स आकर चीफली इन द एक परिपक्व पादप में कोशिका का अधिकांश जल पाया जाता है, तो वो पाया जाता है वैक्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इनहिबिट्स द ट्रांसलेशन इन यूकेरियोट्स, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है, रोकता है, टेट्रासाइक्लिन, प्यूरोमाइसिन, पेंसिलिन और क्लोरोमाइसेटिन, तो इसमें से है प्यूरोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीसोम्स डू नॉट कंटेन, देखिए पॉलीसोम्स क्या होते हैं, तो ये आरएनए होते हैं, जो आरएनए समूह में पाए जाते हैं वो होते हैं, और जनरली ये एमआरएनए से जुड़े रहते हैं, तो इनमें क्या पाया जाता है, तो सिंपल सी बात है प्रोटीन तो होगी ही और एमआरएनए होगा, और जब प्रोटीन सिंथेसिस टीआरएनए भी जुड़े हो सकते हैं, मगर डीएनए इनमें नहीं होता है, तो ऑप्शन इसका बी सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडेमिक प्लांट, जो एडेमिक विशेष क्षेत्रीय पौधे होते हैं, तो देखिए नेफेंथिस खासियाना हर जगह जो घटपर्णी पौधे होते हैं या कीटबच्ची पौधे होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि कानपुर में मिल जाए या आपको दिल्ली में मिल जाए, बनारस में मिल जाए, तो ये जनरली नहीं माना जाता, हिमाचल एरिया में पाए जाते हैं और ऐसी मिट्टी पर पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। PBr322 इज फेमस, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का प्लाज्मिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, तो इसका काम होता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी में है इसलिए वीडियो को थोड़ा स्पीड पर लेके चल रहे हैं, और क्वेश्चन भी वन लाइनर इन्होंने दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियल पैथोजन, तो इसमें से देखिए एलोवेन, मोजिक ऑफ भिंडी और लिटिल लीप ऑफ ब्रिंजली माइकोप्लाज्मा से होता है, एलोवेन मोजिक ऑफ भिंडी ये होता है वायरस से होता है, क्लब रूट आपको उसी फर, तो ये हमें लगता है उससे होता है फंगस से होता है, और फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल ये होता है बैक्टीरिया से। द करेक्ट एग्जाम्पल पेयर ऑफ द स्ट्रक्चरल पॉलीसैक्राइड, तो बताइए करेक्ट एग्जांपल पेयर ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीसैक्राइड, तो इसका सही ऑप्शन देखिए काइटिन और सेल्यूलोज, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा कास्ड बाय, बाजरे का हरित बाली रोग उत्पन्न होता है, तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला से उत्पन्न होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एल्बिगो कैंडिडा से, व्हाइट रस्ट ऑफ कुर्सी पर, सर्कोस्पोरा पर्सनेटा से, ग्राउंड नट ऑफ मतलब लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंड नट होता है, और सर्कोस्पोरा पर्सनेटा में दो होते हैं, एक होता है सर्कोस्पोरा पर्सनेटा, एक होता है सर्कोस्पोरा इरेडिकोला, एक से स्पॉट छोटे आते हैं और दूसरे से स्पॉट बड़े आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्मोसोम्स आर कंसर्न्ड विद, डेस्मोसोम संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, सेल अवलंबन से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अंबर, तो अंबर किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर है UAG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग फेस डीएनए इज यूजुअली सिंथेसाइज, तो डीएनए किसमें सिंथेसाइज होता है, यस फेस में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। जीवन फेस में क्या सिंथेसाइज होता है, तो जीवन फेस में आपका आरएनए सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है और एंजाइम सिंथेसिस होते हैं, और क्या सिंथेसिस होता है, एंजाइम के साथ एटीपी सिंथेसिस होता है। G2 फेस सबसे छोटी फेस होती है, इसमें क्या होता है, माइटोकांड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट बनते हैं। एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो इसमें उपरोक्त सभी का अध्ययन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल अमीनो एसिड, इनमें से न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन सी है, लाइसिन, आर्जिनिन, एलानिन, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड एलानिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज टू डिस्कवरिंग द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ टीआरएनए, तो वो थे होली, इन्होंने लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इसका दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेट्रोलियम प्लांट, और पेट्रोलियम प्लांट कौन से होते हैं, वो प्लांट जिनसे हाइड्रोकार्बन ज्यादा से ज्यादा बनता है, तो वो है यूफोर्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइटिकम एस्टिवम कॉम्बाइंस, तो ट्राइटिकम एस्टिवम थ्री सिमिलर जीनोम्स, थ्री डिसिमिलर जीनोम, टू सिमिलर जीनोम्स, तो इसका ट्राइटिकम एस्टिवियन सम्मिलित करता है तीन भिन्न प्रकार के जीनोम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन, तो डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल हमें साइकस में दिखाई देते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकेंड, ये लिस्ट दी हुई है तो देख लेते हैं हम लोग मैच करके, तो बाइंडिंग द सेल टुगेदर, तो और आता सेल मेम्ब्रेन और स्टोमेटल मूवमेंट, तो
इससे ये सही होगा, और सेल मेम्ब्रेन जो होगा वो फास्फोरस से होगा, कैल्शियम जो होगा वो इससे संबंधित होगा, ये इससे, तो आप इसको देख लीजिएगा, डी है सही इसका। आवृतबीजी निम्नलिखित में से कौन मादा युग्मगोद्भिद का प्रथम कोशिका है, बताइएगा मादा युग्मगोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन सी है, दीर्घ बीजाणु, भ्रूण कोश, गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, तो एम्ब्रियो साइक फीमेल गैमेटोफाइट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैप्रोफिलस, तो कॉप्रोफिलस कौन से होते हैं, वो फंगस जो डंग पे उगते हैं, गोबर पे या उगते हैं, तो वो है एगेरिकस। एल्बिगो क्या है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, सेप्रोलेग्ना सेप्रोफाइट है, मगर पानी में पाया जाता है। आस्टलेगो क्या है, ये भी पैरासाइट है, आस्टलेगो ऑब्लिगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू लेटरली प्लेस्ड फ्लैजेला इन मेल गैमेट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो है सार्गासम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन मेड सीरियल्स, तो इसमें कौन सा, ट्राइटकेल, ट्राइटकेल व्हीट और राई से बनाया गया मैड मेड सीरियल्स है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ द कोट्स गिवन बिलो द स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा कथनों के नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म आर इंक्लूडेड इन आर्चिगोनिएट, टेरिडोफाइट तथा जिम्नोस्पर्म आर्चिगोनिएट में सम्मिलित किए गए, इनमें नर मादा अंगों के रूप में स्त्रीधानियां पाई जाती हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो 37 का सही आंसर होगा ए, बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी सही है। फ्लोयम ऑफ द एंजियोस्पर्म मेड अप ऑफ, तो फ्लोयम जो होता है फ्लोयम पैरेन्काइमा एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड स्वीप ट्यूब्स, फ्लोयम पैरेन्काइमा स्वीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, तो ऑप्शन बी सही है। द कंपाउंड हेड इन फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन, तो ये चार प्लांट प्लांट है, कंपाउंड हेड किस में पाया जाता है, तो 39 का सही आंसर होगा ए, इकाइनोप्स में। फ्रांसिस्को रेडी प्रपोज्ड, फ्रांसिस्को रेडी ने क्या प्रपोज किया था, तो 40 नंबर का सही आंसर होगा बताइएगा। फ्रांस रेडी प्रपोज्ड ने प्रस्तावित किया था, इन्होंने फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या दिया था, तो फ्रांसिस्को रेड्डी ने जो दिया था बायोजिनेसिस थ्योरी दी थी, क्या दिया था, बायोजिनेसिस थ्योरी दी थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स ऑफ पक्सिनिया ग्रेमनिस्टिटिसाइड डज नॉट रिक्वायर ए लिविंग होस्ट फॉर जर्मिनेशन, तो वो होता है बेसिडियो स्पोर, क्या होता है, बेसिडियो स्पोर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यूरिडोस्पोर गेहूं पर पाया जाता है, टेलिटोस्पोर भी पाया जाता है, और जो बेसिडियोस्पोर है ये मिट्टी में गिरता है, वहीं जर्मिनेट होता है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, थोड़ा जल्दी में भी है, समय भी हो रहा है, तो 40 क्वेश्चन दिए हैं और थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कई बार पूछे गए हैं, और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो अभी तक एग्जाम में ना पूछा गया, इसलिए अपनी तैयारी को बनाते रहिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है या कोई ऐसा कंफ्यूजन जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो, तो उसका आंसर ढूंढिएगा, अगर हमारा आंसर गलत है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ नमस्कार।